दीपावली के दिन हुई हत्या के मामले में खंडवा पुलिस ने पर्दाफाश करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को पकड़कर खंडवा पुलिस अधीक्षक शिवदयाल सिंह ने पुलिस नियंत्रण कक्ष में इसका खुलासा करते हुए बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी श्रवण के मृतक प्रहलाद की बेटी से अवैध संबंध थे। वहीं मृतक प्रहलाद को इसका पता चलने पर आरोपी ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या कर दी थी। यह मामला खंडवा जिले के हरसूद थाना क्षेत्र का है, जहाँ दीपावली के दिन हरसूद निवासी प्रहलाद की आरोपियों ने हत्या कर दी थी। पुलिस ने 3 माह के बाद भी आज इसका खुलासा करते हुए बताया कि मृतक के बेटे ने थाने में पिता प्रहलाद के घर नहीं आने पर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसके 3 दिन बाद हरसूद के समीप घोड़ा पछाड़ नदी में मृतक प्रहलाद का शव तैरता हुआ मिला था। वहीं पुलिस ने बताया कि हत्या का मुख्य आरोपी श्रवण के मृतक प्रहलाद की बेटी से अवैध संबंध थे। इसी को लेकर आरोपी श्रवण ने अपने दोस्त जग्गा, जिस पर पहले से कई मामले दर्ज हैं, इसके साथ मिलकर उसने यह घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने पहले मृतक प्रहलाद को शराब पिलाई, फिर सर पर चोट पहुंचाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद जुर्म छुपाने के लिए आरोपियों ने शव को नदी में फेंक दिया था। वहीं अब इस हत्याकांड के दोनों आरोपी पुलिस गिरफ्त में हैं। खंडवा से अहमद सिद्दीकी की रिपोर्ट। ने 3 माह पुराने एक ब्लाइंड मर्डर का आज खुलासा किया है। 3 माह पूर्व प्रहलाद नाम के व्यक्ति की नदी में डेड बॉडी मिली थी। उस लाश पे से मर कायम करके जांच की जा रही थी। उसमें 2 आरोपियों को, एक तो जग्गा और एक श्रवण नाम के 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। इन्होंने अपने अवैध संबंधों को छुपाने के लिए प्रहलाद नामक व्यक्ति की हत्या की थी और हत्या करके गला दबा के उसकी हत्या की और उसकी डेड बॉडी को नदी में डाल दिया था। जांच में ये साबित हुआ और उसके आधार पर उनको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।